हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी के निधन उपरांत शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आईडी स्वामी एक नेक इंसान थे और साफ सुथरी राजनीति के साथ साथ अच्छे कार्यों में भी समर्थक थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल तहसील में मुख्यमंत्री द्वारा मारे गए छापेमारी को भ्रष्टाचार पनपने की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि वह तो पहले भी कह चुके हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, जिसके चलते कुछ दिन पहले नगर निगम में और अब करनाल के लघु सचिवालय के तहसील कार्यालय में भी यह देखने को मिला है। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व विधायक सुमिता सिंह, सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आईडी स्वामी जी का जो स्वर्गवास हुआ है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सारा जीवन समाज सेवा में गुजारा और व्यक्तिगत हमारे बहुत अच्छे मधुर संबंध रहे। बेशक अलग अलग पार्टियों में रहे, लेकिन दिल्ली सेंट्रल में और हर समय एक दूसरे से मिलते रहे और अच्छे विचारों के व्यक्ति थे। आज दुनिया में नहीं रहे तो ऐसे व्यक्ति का स्थान पूर्ति करना बड़ा मुश्किल था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में तहसील में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने खुद माना कि भ्रष्टाचार चल रहा था, तो उसको कैसे देखते हैं? और चार अधिकारियों को सस्पेंड भी किया, दो अधिकारी दो कर्मचारियों को। वो तो अनिल विज भी आए थे और भ्रष्टाचार तो है ही, वो तो मैं कह ही रहे हैं। जो नागरिक विधेयक को लेकर जगह जगह हिंसा हो रही, नागरिक विधेयक को लेकर जगह जगह हिंसा हो रही दिल्ली में, हिंसा कोई अच्छी बात नहीं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।